यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोविड पेशेंट है जो हॉस्पिटल बेड में है, और ये जो हॉस्पिटल बेड है, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आजकल जो भी इंसान पहुँच रहा है वो कोविड पेशेंट ही है, राइट? तो ये बंदा चार्टर अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, और आप ये सोचो कि इस सिचुएशन के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में भी ये इंसान हॉस्पिटलाइज होने के बाद में भी इसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और वहाँ पे बैठ के भी पढ़ रहा है, एंड ही इज़ मेकिंग हिज नोट्स। और ये सीन कहाँ का है? ये सीन उड़ीसा का है, मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट यार ये देखने के बाद में तो लिटरली बोल रहे हैं एक बार तो भाई ताली बजनी चाहिए जिसके अंदर इतना हाई लेवल का मोटिवेशन है। तो यार इससे तुम लोग को लिटरली सीखना चाहिए, समझ रहे हो? कई बार होता है ना कि हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, हम लोग कहते हैं मैम ऐसा था, वैसा था, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढमाका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक तो लाइफ में वैसे भी कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस थॉट से आपको यहाँ पर ये सीखना है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, जो आपने दृढ़ निश्चय लिया है, जो आपने सोचा है कि यस यू हैव टू अचीव, तो फिर उसके लिए आपको कभी पीछे नहीं हटना होता, ठीक है?